हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम आए हैं फिश पॉइंट, जो कि लोकेटेड है सरोजी नगर न्यू दिल्ली में। मैं इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, इनका नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, यहां से आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिश पॉइंट का मरीन कलेक्शन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं शॉप ऑनर से। हमारे साथ हैं शॉप ऑनर पुलकित सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। कैसा रहा सर लास्ट वीडियो का रिस्पांस? लास्ट वीडियो का सर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, काफी अच्छा कस्टमर की इंक्वायरी आई, काफी ज्यादा मेरा स्टॉक इस बार निकला, तो ऑल ओवर काफी गुड था, काफी अच्छा था, काफी अच्छा। तो सर, इस बार हम अपने व्यूअर्स को दिखाने वाले हैं आपका मरीन का कलेक्शन। तो सर, मरीन के कलेक्शन में मेरे चैनल पे ये पहली वीडियो होने वाली है आपके स्टोर की मरीन कलेक्शन के ऊपर। अभी आपके पास मरीन स्टॉक में क्या क्या होगा भैया? मरीन में मेरे पास करेंटली सारा इंपोर्टेड स्टॉक है जी। करेंटली 40-50% मेरा स्टॉक चले गया है, जा चुका है। बाकी जो अभी करेंटली अवेलेबल है वो है आपका क्लाउन्स की वरायटी है, इसमें एनिमोन्स है, डेमसिल्स की वरायटी है, और भी काफी वरायटी है जो आपको दिखा देता हूँ मैं। काफी वरायटीज है जी। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे भैया? स्टार्ट हम भैया ये एनिमोन से करेंगे। ये लाइव होता है भैया एनिमोन? हाँ, ये लाइव होता है, ये आपका लाइव क्रिएचर है, इसको एनिमोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग टेंटिकल एनिमोन। बिल्कुल जी। इसका अभी करेंटली साइज लगभग होगा 6-7 इंची का होगा। 6-7 इंच का? 7 इंच का इसका भी करंट साइज होगा। और इसको लॉन्ग टेंटिकल्स बोलते हैं, क्योंकि जो टेंटिकल आप देख रहे हो, जो आपको निकल रहे हैं, ये लंबे लंबे टेंटिकल्स बोलते हैं इनको, टेंटिकल्स बोलते हैं। भैया मैं देख रहा हूँ इसमें क्लाउन फिशेज आ रही हैं, जा रही हैं, हाइड हो रही हैं, एक तरह से प्ले कर रही हैं कह सकते हैं। तो क्या अगर हमारे टैंक में क्लाउन फिश है तो क्या हमें इस तरह का एनिमोन रखने की जरूरत है? बिल्कुल जी, अगर आप क्लाउन रख रहे हो, क्लाउन के लिए काफी अच्छा रहता है, क्लाउन इसमें घुस के काफी खुश रहती है। अगर आप एनिमोन रखोगे क्लाउन के साथ तो बहुत अच्छा है। भैया इन एनिमोन में साइज भी आते हैं डिफरेंट? बहुत सारे साइज हैं। जैसे आप ये दूसरा वाला देख रहे हो, बबल टिप एनिमोन है, ग्रीन कलर का है, इसका साइज थोड़ा छोटा रहता है। बबल टिप एनिमोन ये ग्रीन कलर का है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो जो आपका ये लॉन्ग टेंटिकल एनिमोन है ये 6500 का है। 6500 का जी। और ये छोटे वाला भैया? जो ये छोटे वाला ब्लू टिप एनिमोन है, बबल टिप एनिमोन है, ये आपका 2000 रुपीज का है। ये 2000 रुपीज का है जी। भैया आपके इस टैंक में क्लाउन की कई वैरायटीज हैं, ये कौन कौन सी क्लाउन है एक बार हमारे व्यूवर्स को बताइए। ये जो क्लाउन आप देख रहे हो, ये वाली जिसका कलर मैक्सिमम व्हाइट है जी, इसका नाम है पिकासो क्लाउन। पिकासो क्लाउन हाँ जी जी। करेंटली इसका साइज अभी 2.5 इंच का करेंटली इसका भी साइज होगा, 2.5 इंच का। हाँ, और ये वाली जो आप क्लाउन देख रहे हो इसका नाम है डिजाइनर क्लाउन। ये डिजाइनर क्लाउन है और इसका करेंट अभी साइज होगा 2 इंचेस अभी करेंटली इसका साइज 2 इंचेस होगा। और जो आप ये क्लाउन देख रहे हो जी, ये है पर्कुला क्लाउन। ये ट्रू पर्कुला है, इसमें दो टाइप के आते हैं, ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू पर्कुला है। भैया काफी ब्यूटीफुल फिश है भैया, इसके कलर पैटर्न काफी अट्रैक्टिव है। बिल्कुल। इन्हें बेसिकली फीड क्या करते हैं आप? फीड इसका हिकारी का मरीन एस आता है, वो आप इन्हें फीड करते हैं। एक और टाइप की क्लाउन है, ये छोटे साइज में रहती है, इसका नाम है प्लैटिनम क्लाउन। काफी छोटा साइज है भैया देखने में। करंटली अभी इसका साइज 1 इंच है, ज्यादा बड़ा ग्रो भी नहीं करती है। भैया इनका क्या प्राइस होगा? प्राइस जो क्लाउन फिश होता है इसको वेरी करता है साइज पे, वैरायटी पे, क्वालिटी पे, आप कौन सा साइज ले रहे हो, कौन सा वैरायटी ले रहे हो। जैसे इसी में लगभग आपको 2-3 वैरायटी की क्लाउन है। करेंटली अभी इनका जो प्राइस है 2200 रुपए से लेके 4000 के बीच पे है। 2200 से लेके 4000 रुपए तक है जी। हाँ जी, ये डिपेंड करता है साइज और वैरायटी के ऊपर। हाँ जी। आप दूसरी वैरायटी जो देख रहे हो ये टैंक की वैरायटी है। का नाम है आपका नासो टैंक है ये। काफी अच्छा कलर होता है, ग्रे कलर होता है इसका जी। जैसे आप देख सकते हो काफी एक्टिव है और काफी भागा दौड़ी करती है। काफी एक्टिव है भैया। इसका मैक्स साइज क्या होता है भैया? इसका मैक्स साइज लगभग आपका 10-12 इंच तक चले जाता है। 10-12 इंच तक चला जाता है साइज चले जाता है। ये फीड में अभी हिकारी का ही मरीनेस ले रहा है। हिकारी का मरीनेस और अभी करंट इसका साइज लगभग 3-3.5 इंच का है।
क्या प्राइस है भैया इसका? इसका 4,500 रुपए का सिंगल पीस है। 4,500 का सिंगल पीस। हाँ जी भैया, मैं आपके इस टैंक में कुछ श्रिम्प्स देख रहा हूँ, ये कौन से श्रिम्प्स है भैया? जो आप देख रहे हो क्लीनर श्रिम्प है। क्लीनर श्रिम्प? हाँ क्लीनर श्रिम्प। अभी इनका करेंटली साइज 3 इंच का है और लगभग इनका 3-3.5 इंच तक मैक्सिमम चले जाता है। क्या प्राइस होगा भैया इसका? प्राइस है 1200 रुपए का सिंगल पीस। 1200 रुपीज ईच। भैया आपके टैंक में बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है, बहुत ही अनकॉमन सा पैटर्न है इसके ऊपर, ये कौन सी फिश है भैया? ये है आपकी क्लाउन टैंक है। ये भी क्लाउन टैंक है? हाँ क्लाउन टैंक है, काफी सुंदर होती है, काफी एक्टिव होती है और ये अभी करेंटली इसका साइज है 3.5 इंच का। करेंटली इसका भी साइज है 3.5 इंच का। हाँ जो टैंक होती है मैक्सिमम वैरायटी सारी सुपर एक्टिव होती है, भागती फिरती रहती है और ये खाने में आपका मरीन एस जो फूड आता है हिकारी का वही लेती है। इसका मैक्सिमम साइज क्या होता है भैया? मैक्सिमम साइज इसका लगभग 8-9 इंच तक चले जाता है। 8-9 इंच। हाँ जी। क्या प्राइस होगा भैया इसका? इसका प्राइस लगभग आपका 4,500 के आसपास है। 4,500 रुपए ईच। भैया ये कौन सी फिश है इस टैंक में? ये रैस की वैरायटी है। रैस? रैस की। ये है आपकी क्लाउन रैस है। क्लाउन रैस। हाँ। अभी इसका क्या साइज होगा? करेंटली इसका आपका 2.5 इंच का लगभग इसका साइज होगा। 2.5 इंच का साइज है। हाँ। मैक्सिमम साइज कितना इंक्रीज होता है इनका? मैक्सिमम इसका चल जाता है 4-5 इंच का। 4-5 इंच। काफी इनहांस है भैया कलर, मतलब दूर से जैसे कहते हैं कि आई कैचिंग कलर है, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है भैया। इन्हें क्या फीड करते हैं भैया? ये भी हिकारी का मरीन एस खाता है। हिकारी का मरीन एस। हाँ। भैया ये कौन सी फिश है आपके? ये आपकी है येलो बेली डेंसिल है। येलो बेली डेंसिल। हाँ डेंसिल की वैरायटी है, नीचे जो उसका नीचे बॉटम होता है वो येलो कलर का होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है भैया, काफी अच्छे कलर्स हैं, काफी अच्छी वैरायटीज हैं फिशेस की। जो मरीन की फिशेस होती है काफी कलरफुल होती है जी और काफी ब्राइट कलर होते हैं इनके। इसका भी क्या साइज होगा भैया? ये लगभग आपके करेंटली 2 इंचेस का साइज होगा। 2 इंचेस का। हाँ जी। मैक्सिमम साइज क्या होता भैया इनका? मैक्सिमम इसका 4 इंच, 3-4 इंचेस जाता है मैक्सिमम। मैक्सिमम 3-4 इंचेस, मतलब अप्रोक्स एडल्ट पे ये अभी अपने तो एक आध इंच और इंक्रीज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्राइस होगा भैया इसका? ये आपका 850 रुपीस का सिंगल पीस है। 850 रुपए का सिंगल पीस। बिल्कुल बिल्कुल। भैया आपके इस टैंक में आई थिंक ये गोभी फिश है। बिल्कुल, ये आपकी सैंड क्लीनिंग गोभी है जी। ये करता क्या है, ये अपने माउथ में बार बार नीचे की सैंड लेता है और नीचे से ऊपर इसको रोटेट करता रहता है, जिससे नीचे की जो सैंड है वो भी क्लीन रहती है। क्लीन होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, सैंड से मिलता जुलता कलर है, नॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं एक बार में देख के। हाँ जी हाँ जी। इसका क्या साइज होगा भैया? अभी लगभग इसका 3 इंचेस साइज होगा। 3 इंचेस। हाँ जी। और मैक्सिमम कितना साइज होता है इसका? मैक्सिमम साइज इसका 4 इंचेस तक चले जाता है। 4 इंच तक। हाँ 4 इंच तक चले जाता है, काफी अच्छी फिश होती है। क्या प्राइस होगा भैया इसका? ये इसका प्राइस है आपका 1200 रुपए का सिंगल पीस। 1200 रुपए का सिंगल पीस है। और भैया इस टैंक में की बहुत ही ब्यूटीफुल श्रिम्प्स है। ये है आप कौन सा श्रिम्प भैया? ये है रेड फायर श्रिम्प है। रेड फायर श्रिम्प। हाँ बिल्कुल, डीप रेड कलर होता है और व्हाइट स्पॉट होते हैं इसकी बॉडी पे जी। काफी इनहांस कलर होते हैं इसके। बहुत इनहांस है भैया, बहुत ज्यादा, मतलब अभी इसका क्या साइज होगा? करेंटली इसका अभी 3-3.5 इंच का साइज होगा। 3-3.5 इंच का साइज होगा। हाँ जी। क्या प्राइस है भैया इसका? ये आपका 1500 रुपए का सिंगल पीस। 1500 रुपए का सिंगल पीस। हाँ। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है भैया एक्वेरियम में? चलता है, अगर ये डेलिकेट काफी होते हैं जी। हाँ तो इनको थोड़ा केयर ज्यादा चाहिए होती है, बाकी अगर एक बार जो जैसे मैं आपको पहले ही बताया एस्टैब्लिश टैंक में रहता है तो काफी अच्छा, लगभग 5-6 साल कहीं नहीं जाता। 5-6 साल कहीं नहीं जाता। हाँ जी भैया, फिशेस से श्रिम्प्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है मान लीजिए, ये फिशेस इस टैंक में फीड वगैरह नहीं करती हैं? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर छोटी फिशेस साथ रखो जैसे क्लाउन हो गए, जो भी छोटी वैरायटी है उसके साथ चलेगा। जैसे ट्रिगर वैरायटी होती है काफी बड़े साइज की होती है वो तो इसको खा जाएगा, मतलब जो बड़ी वैरायटी है उसके साथ नहीं चल पाएगा। बड़ी फिश के साथ नहीं रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। भैया ये कौन सा क्लाउन है? इसे हमने नहीं कवर करा है, काफी ब्यूटीफुल पैटर्न है, कलर बहुत ज्यादा इनहांस है। ये आपका परकुला क्लाउन है। परकुला। हाँ ये सबसे जो कॉमन सबसे क्लाउन होता है वो यही होता है, परकुला, ट्रू परकुला भी बोलते हैं इसे। ट्रू परकुला। हाँ जी।
इसमें दो आते हैं, ट्रू आती है, फॉल जाती है, तो ये वाली आपकी ट्रू परगुला है। काफी सारी वैरायटीज आती हैं क्लाउन में। हाँ जी भैया, ये तो हो गई फिशेस। मान लीजिए किसी व्यूअर को टैंक चाहिए या साल्ट चाहिए या लाइफ सेंड चाहिए, तो क्या ये सारी चीजें मिल सकती हैं आपके पास? बिल्कुल सर, मरीन का जो कंप्लीट सेटअप होता है, लाइफ सैंड हो गई, रॉक हो गए, सॉल्ट हो गया, इसकी जो स्पेशलाइज्ड लाइट आती है जो एनिमल्स के लिए काफी बेनिफिट करती है जी। और प्रोटीन स्कीमर हो गया और जो भी इसका फिल्टर मीडिया हो गया, बायो पैलेट रिएक्टर हो गया, ट्रिकल फिल्टर बनाना है, सब बन जाएगा, सब अवेलेबल है। और जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसमें उस हिसाब से हम एक्वेरियम का कस्टम बना भी देते हैं जी। क्या साइज टैंक भी बना देते हैं, कस्टमाइज टैंक भी बना देते हैं, उसकी लेंथ हाइट डेप्थ जो चाहिए सब कस्टमाइज हो जाएगा। तो हमारे मरीन से रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हैं या हमें जो भी एक्सेसरी चाहिए वो सारी चीजें आपके पास हमें मिल जाएंगी? बिल्कुल सर, सारी मिल जाएगी जो भी आपको चाहिए मरीन से रिलेटेड। तो सर मरीन सेक्शन के ऊपर किस तरह से टैंक सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या वैरायटीज आती हैं लाइफ सैंड में, रॉक्स में, फिल्टर में, प्रोटीन स्कीमर में, तो इन सब चीजों के ऊपर एक डेडिकेट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो भैया जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी स्टॉक ऑसम है, वैरायटीज काफी सारी हैं। मैंने इतनी सारी क्लाउन की वैरायटीज नहीं देखी है एक ही टैंक में, काफी अच्छा आपने मेंटेन कर रखा है। जब ही मेरा लगभग 40-50% जो स्टॉक है वो चले गया है, स्टॉक आता है जाता है, मेरा और भी टैंक थे लेकिन उसमें स्टॉक खत्म हो गए इसलिए उसके हम वीडियो नहीं बना पा रहे जी। और जैसे ही और कोई स्टॉक आएगा हम बिल्कुल अपडेट करेंगे आपको। तो मतलब काफी स्टॉक आया था, थोड़ा वीडियो बनाने में हम लेट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से सिर्फ यही स्टॉक कवर हो पा रहा है। भैया डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है? डिलीवरी ऑप्शन ऑल ओवर इंडिया में है, जो भी डिलीवरी चार्ज होगा वो अलग से होगा, वो एक्स्ट्रा, हाँ वो एक्स्ट्रा आपको हो जाएगा। और बाकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डिलीवर कराना है आपका डिलीवर हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। एक बार अपनी शॉप एड्रेस बता दीजिए भैया। हमारी शॉप है सरोजी नगर मार्केट में, मेन मार्केट में शॉप नंबर 162 है, फर्स्ट फ्लोर पर। 162 है फर्स्ट फ्लोर पर। दिल्ली में हमारी सेम डे में डिलीवर हो जाएगा, लगभग 2-3 घंटे के अंदर हम डिलीवरी प्रोवाइड कर देते हैं पूरी दिल्ली में, पूरे ऑल ओवर दिल्ली NCR, जहाँ भी आपको चाहिए आपको हो जाएगा डिलीवर 2 घंटे में। तो काफी फास्ट सर्विस है, 2 घंटे में लाइव स्टॉक आपके घर होगा फोन करने का, तो काफी अच्छा ऑप्शन है भैया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।